दोस्तों, जहां ब्रिटिश की मिलिट्री न्यूज को लेकर दुनिया भर के आर्मी काफी उदास थी, उसी के बीच में वीवर्स ने आर्मी को एक आखिरी मौका दिया है जिससे वो ब्रिटिश के साथ एंजॉय कर सकती हैं और उनका लाइव कॉन्सर्ट फिर से देख सकती हैं। दोस्तों, आप में से भी काफी सारी आर्मी शायद अक्टूबर 15 को होने वाला BTS का लाइव कॉन्सर्ट नहीं देख पाई थी क्योंकि वीवर्स की स्ट्रीमिंग में काफी सारे इश्यूज आ गए थे और बहुत ही सारे आर्मीज ने इस ग्लोबल इवेंट को मिस कर दिया था। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि अभी वीवर्स ने अपनी न्यू नोटिफिकेशन में लॉन्च किया है कि आर्मीज के पास एक आखिरी मौका है जिससे वो BTS के इस लाइव कॉन्सर्ट को फिर से लाइव अटेंड कर सकती हैं। और दोस्तों, ये मौका है वीवर्स के थ्रू इस कॉन्सर्ट की डिलेड स्ट्रीमिंग को अटेंड करना। हालांकि दोस्तों, शॉकिंग बात तो ये है कि ये चीज इंडियन आर्मीज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि जो टाइम इस कॉन्सर्ट की स्ट्रीमिंग के लिए दिया गया है वो इंडियन टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा अलग है। दोस्तों, वीवर्स ने अपनी नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि इस संडे यानी 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कोरियन टाइम में BTS के कॉन्सर्ट को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर उसे इंडियन टाइम में कन्वर्ट किया जाए तो ये टाइम सुबह के 7:30 बजे होता है। और दोस्तों, ऐसे में जो भी आर्मीज इस कॉन्सर्ट को अटेंड करना चाहती हैं उनको सुबह जल्दी उठ के इस कॉन्सर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद इस कॉन्सर्ट को आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, यही नहीं बल्कि वीवर्स ने ये भी बताया है कि इस कॉन्सर्ट को अनऑथराइज ब्रॉडकास्ट करना या फिर टेलीकास्ट करना भी इलीगल है और अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो आगे किसी भी स्ट्रीमिंग इवेंट में उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस कॉन्सर्ट को वीवर्स के ऐप या फिर वीवर्स के टीवी ऐप या फिर वीवर्स की वेबसाइट, इन तीनों में से किसी भी चीज पर देख सकते हैं और पहले की तरह ही BTS के साथ इंटरेक्शन करके इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, काफी सारी आर्मीज इस न्यूज से बहुत ही खुश हैं क्योंकि मिलिट्री की न्यूज सुनने के बाद काफी सारी आर्मीज को लगा था कि अब वो BTS का कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर पाएंगी काफी लंबे टाइम के लिए और इस ग्लोबल कॉन्सर्ट को भी उन्होंने मिस कर दिया है। हालांकि दोस्तों, वीवर्स ने शायद ये इसीलिए किया है ताकि आर्मीज अपने आइडल्स के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाए और उनका ये बहुत ही बड़ा इवेंट लाइव अटेंड कर पाए। दोस्तों, इसी तरह वीवर्स ने पहले भी काफी सारी एप्लीकेबिलिटी इस कॉन्सर्ट के लिए बताई थी और इस बार भी उन्होंने बताया है कि कौन कौन से डिवाइसेस में इस कॉन्सर्ट को देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, स्पेशली आर्मीज इस अनाउंसमेंट के बाद काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि पिछली बार कॉन्सर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत ही ज्यादा इश्यूज हुए थे और आर्मीज बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। मैक्सिमम आर्मीज इस लाइव स्ट्रीमिंग को अटेंड नहीं कर पाई और अभी तक ये कॉन्सर्ट नहीं देख पाई हैं। और काफी सारे आर्मीज का मानना है कि मिलिट्री में जाने से पहले आर्मीज के लिए BTS का ये काफी बड़ा गिफ्ट है जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार भी हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप सुबह 7:30 बजे उठ के BTS का ये लाइव स्ट्रीमिंग इस संडे को देखने वाले हैं या फिर नहीं। और जाने से पहले ऐसे फास्टेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।